भारत का एक ऐसा कदम जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को हिला डाला और इसको लेकर प्लानिंग इतनी भयंकर की गई है कि भारत को हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जल्दी ही पाकिस्तान खुद पीओ के भारत के हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। दरअसल कुछ हफ्ते पहले यूएई के 35 बड़े बिजनेसमैन कश्मीर के दौरे पर आए और उन्होंने कश्मीर में आने वाले 6 महीनों में 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, जिससे कश्मीर को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस में बदला जाएगा। अब जो लोग रेगिस्तान को दुबई बना सकते हैं, वो कश्मीर को स्वर्ग बनाने का भी दम रखते हैं और इसीलिए शायद भारत ने अरब देशों से कॉन्टेक्ट किया। पर अब सवाल तो ये है कि इससे भारत को पीओके कैसे मिलेगा। तो देखो, जब कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभरेगा तो वहाँ के लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलेगा, जिससे वहाँ के लोगों की जिंदगी भी सुधरेगी और कश्मीर के हालात भी। और इसके बाद यहाँ वो होगा जो 1990s में जर्मनी में हुआ था, यानी जब पीओके के लोग ये देखेंगे कि भारतीय कश्मीरियों की जिंदगी उनसे काफी बेहतर है तो उनकी भी भारत में शामिल होने की इच्छा होगी, जिसके चलते वहाँ के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगेंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाएगा और फिर चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान को पीओके भारत के हवाले करना ही